ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम के बचे हुए केसेस देखे थे, यानी जहाँ पे हम लोग बोलते हैं इपॉक इज इक्वल टू व्हाट पाई एंड इपॉक विच इज इक्वल टू 3π/2। तो उसके हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ये तीनों के ग्राफ्स देखे थे, ठीक है। उसके बाद एंड में हम लोगों ने 5.1 एंड एग्जाम्पल 5.2 देखा था। अब एग्जाम्पल 5.2 जो है आज मैं आपको वापस सिखाऊंगा, लेकिन हम लोग इसको थोड़े अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 4 सेकेंड्स एंड एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो हम लोग लिख लेते हैं। द पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएम, इसका एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है, इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर, दैट इज 4 × 10⁻²⁻² मीटर, और इसका जो टाइम पीरियड है टी, आई थिंक दैट इज गिवन एज 4 सेकेंड। एक बार देख लेते हैं, यस, अ पीरियड ऑफ 4 सेकेंड एन एम्पलीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला हुआ है, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन। अब जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, ओके, यानी पिछले लेक्चर में, कि यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया है कि पार्टिकल जो है, ओके, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम, ओके। तो उन्होंने फाई का वैल्यू क्या ले लिया था, पाई बाय टू लिया, ठीक है। और ऐसे केस में उन्होंने जो एक्स निकाला था, ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले मेथड में हम लोगों ने क्या किया था, यानी टेक्सट बुक के मेथड से जो सॉल्व किया था, दिस इज योर एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इज योर एक्स इक्वल टू प्लस फोर, और ये साइड पे आपका रहेगा x इक्वल टू -4। लेकिन अभी हमें ये साइड पे जाना ही नहीं है, ठीक है। ये जो भी करना है तो वो पॉजिटिव 4 जो है वो साइड पे करना है। तो टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या बोला था कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। तो आप फाइ का जो वैल्यू है, ठीक है, मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिख देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू वॉट ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइ। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा बोला कि अगर ये एक्सट्रीम पोजिशन से स्टार्ट कर रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो ऐसे केस में फाई का वैल्यू आप क्या ले लो, फाई का वैल्यू पाई बाय टू ले लो, ठीक है। तो अगर फाई का वैल्यू पाई बाय टू ले लिया तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू वॉट ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। यानी ओरिजिनली इक्वेशन क्या बन जाता है, एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। अब ये बात आपको ध्यान में रखना है, साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय टू, ओके, दैट बिकम्स वॉट कॉस थीटा, यानी कॉस ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अगर ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक सिंपल मेथड बता देता हूँ, साइन ऑफ ए प्लस बी यूज करो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ओके। इसको अगर आप एक्सपांड करते हो तो क्या मिलेगा आपको, साइन ओमेगा टी कॉस पाई बाय टू प्लस कॉस ओमेगा टी साइन पाई बाय टू, बराबर है। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, साइन पाई बाय टू। अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे साइन पाई बाय टू तो क्या होने वाला है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और कॉस पाई बाय टू क्या होने वाला है, दिस एंटायर टर्म विल बिकम व्हाट, 0। तो ऐसे केस में आपको ध्यान में रखना है कि ये पूरा जो टर्म है इज गोइंग टू बिकम व्हाट, 0, और बचेगा कौन सा, तो ये वाला टर्म, यानी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन पाई बाय टू। अब साइन पाई बाय टू इज 1, तो बचा क्या, सिर्फ कॉस ओमेगा टी। इसलिए मैंने साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू को क्या लिखा है, इसको आगे सॉल्व किया तो आपको क्या मिलेगा, सिंपली कॉस ओमेगा टी इंटू साइन पाई बाय टू विच इज 1, ओके। आई होप अभी आपको आया समझ में। एनीवे इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा बोला हुआ है, ओके, अगर हम लोग इसको देखेंगे, फाइंड द टाइम इंटरवल टेकन बाय इट टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम, यानी आपका पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से 1 सेंटीमीटर ट्रैवल कर। अब वो यहाँ पे तो ट्रैवल नहीं करेगा टूवर्ड्स राइट, कॉमन सेंस है वो कहाँ पे ट्रैवल करेगा, वापस टूवर्ड्स द मीन पोजिशन, यानी वो इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन में जब वो 1 सेंटीमीटर ट्रैवल करेगा, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से उसका डिस्टेंस मेजर करूँ तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना रहेगा, ये टोटल 4 − 1, दैट इज गोइंग टू बी वॉट, 3 सेंटीमीटर। और ये रूल हमेशा ध्यान में रखो, जब भी आप एक्स का वैल्यू डालोगे ना, एक्स का वैल्यू इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजिशन। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 3, ए का जो वैल्यू है वो हो गया 4, कॉस एज इट इज, ओके, ओमेगा। अब ओमेगा क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओमेगा इज नथिंग बट
टू पाई अपॉन टी, बराबर है। टू पाई अपॉन टी यानी ये हो जाएगा आपका टू पाई अपॉन टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है इस फोर। तो आप ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे ओमेगा का जो वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट पाई बाय टू, क्लियर है। तो ये ओमेगा का वैल्यू पाई बाय टू डाल दिया मैंने, ठीक है। एंड स्मॉल टी का वैल्यू जो है तो वो हमें पता नहीं है, तो उसको मैं टी एज इट इज लिख देता हूँ, ये क्लियर है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे आपको मिलेगा थ्री बाय फोर इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय टू इंटू टी, ठीक है। ये अभी टेक्स्ट बुक का ही मेथड चालू है, ओके। अब यहाँ पे जो थ्री बाय फोर है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, पॉइंट सेवन फाइव, ये अभी भी हमारा टेक्स्ट बुक का ही मेथड चालू है, ओके यस। अब ये हमको एक और मेथड से करना है, इससे आपका क्या होगा एस एच एम का कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 0.75 is equal to what? Cos of pi by 2 into t. Okay? Therefore, taking cos inverse on both sides, तो आपको क्या मिलेगा? Cos inverse of 0.75 is equal to what? Pi by 2 into t. Okay, अभी जो cos inverse है, okay? तो cos inverse कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, okay? तो यहाँ पे मेरे पास एक trigonometric इसका table है, ये जो आपके पास log tables या log book available है, तो उसके इसमें आपको नेचुरल साइन नेचुरल कॉस ये अवेलेबल रहते हैं, ओके ओके। दिस वन इज नेचुरल कोसाइन, ओके। अब नेचुरल कोसाइन में एक बात ध्यान में रखनी है आप, यहाँ पे जो मीन डिफरेंसेस है तो मीन डिफरेंस को क्या करना है अपने को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हमें बेसिकली अभी 0.75 का क्या निकालना है, कॉस इनवर्स। देखो जैसे लॉग टेबल होता है तो लॉग का इनवर्स क्या होता है, एंटी लॉग। वैसे कोसाइन टेबल है लेकिन कोसाइन इनवर्स का टेबल नहीं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना, ओके, रिवर्स मेथडोलॉजी यूज, ओके। जो वैल्यू है उससे आपको क्या करना है, एंगल फाइंड करना, ओके। तो आप यहाँ पे क्या यूज करने वाले हो, ओके, कोसाइन टेबल यूज करो, लेकिन कोसाइन टेबल आपको क्या करने के लिए यूज करना है, ओके, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। देखो कोसाइन टेबल क्या है ना, जैसे मैंने आपको बोला मुझे कॉस ऑफ 12 डिग्री बताओ, तो आप क्या करोगे, 12 डिग्री एंड दिस इज वॉट 0 मिनट, तो आप 12 डिग्री 0 मिनट का कॉस का वैल्यू क्या बोलोगे, दैट विल बी सर 0.9781। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, वी आर सीइंग नेचुरल कोसाइंस, ओके। लेकिन अभी क्या करना है, हमें 0.75 का कॉस इनवर्स देखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे जैसे वैल्यूज कम होते जा रहे हैं एंगल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कोसाइन में क्या रहता है कि अगर वैल्यू बढ़ता है, ध्यान से सुनो, तो एंगल घटता है। आप यहाँ पे चेक करो कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जीरो के लिए, लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ते जा रहा है तो वैल्यू क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है, ओके। तो 0.75 हमें देखना है एग्जैक्टली 0.75 कहाँ पे आ रहा है, ये 0.7593 है, 0.7570 है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 0.7501, ओके। तो 0.7501 जो है वो आपको मिल रहा है 41 डिग्री, ओके। और ये अगर कॉलम हम लोग देखते हैं, ये कॉलम जो है दैट इज ऑफ 24, ओके, 24 मिनट्स यानी कितना होता है, तो 0.4 डिग्री होता है, ओके। तो आपका जो आंसर आ रहा है, ओके, दैट इज कमिंग एज 41 डिग्री, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाई बाय टू टी दैट इज इक्वल टू 41 डिग्री एंड 24 मिनट्स, ओके। ये एक वैल्यू है, और एक और वैल्यू है वो भी मैं आपको बता दूं कैसे देखना है। तो एक वैल्यू आपका 7501 है, ठीक है। अब आपके पास, आपको एक बात ध्यान में रखना है, आगे वाले वैल्यू पे नहीं जाना है, पीछे वाले वैल्यू पे जाना है, क्योंकि ये जो मीन डिफरेंसेस है ये क्या होने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट होने वाले, ठीक है। अगर आप 7513 लेते हो, ठीक है, 7513 में से अगर मैंने मीन डिफरेंस 10 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर आएगा 7503, ओके यस। स्टिल 7503 जो है इट इज लेस एक्यूरेट एज कम्पेयर टू व्हाट 7501। देखो हमें 7500 चाहिए यानी 0.7500, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐसा है कि ये 41 डिग्री जो है उसके ही, ओके, रो में आप 7513 देखो, 7513 अगर आप देखोगे तो वो आपको कितने इसके लिए मिलेगा, 18 मिनट्स के लिए, ओके, ये ध्यान में रखना है, ओके। तो वो लॉजिक के हिसाब से वो 18 मिनट्स को हम लोग क्या करेंगे, ओके, ये जो 10 है, ओके, तो 7513 में से ये 10 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे वो मैं बताता हूँ। देखो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे लेकिन आप एंगल क्या करोगे, ऐड करोगे,
तो वो 10 की ले, यहाँ पे एंगल कितना है 5 मिनट्स का है, यानी आपका एक पॉसिबल वैल्यू क्या है वो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 41 डिग्री। हम लोगों ने क्या किया फिर 7513 जो है वो 18 मिनट्स के लिए आया, लेकिन मैं 5 मिनट क्या करता हूँ बढ़ा देता हूँ। 5 मिनट जब बढ़ाता हूँ मुझे ये पता चलता है कि आपका ये जो वैल्यू आएगा दैट विल कम एज 41 डिग्री एंड 23 मिनट। ये आपको आ रहा है समझ में? मैं आपको वापस बताता हूँ कि ये जो 5 मिनट है ये हम लोग जब ऐड करेंगे तो जो मीन डिफरेंस का जो वैल्यू रहेगा वो 10 से कम होगा। देखो सिंपल लॉजिक है, आप एंगल अगर बढ़ाओगे ना तो कोसाइन का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। इसलिए जब मैंने 5 मिनट से एंगल बढ़ाया ओके, तो ये जो 10 वैल्यू है वो 7513 से क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया ओके। यस, लेकिन 7513 से सब्ट्रैक्ट हुआ तो आपको वो क्या मिल रहा है वैल्यू, 0.7503। और इसके लिए जो आपको वैल्यू था दैट वाज 0.7501। आपको 0.75 के एकदम क्लोज वाला वैल्यू चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट करोगे ओके। यस, और ये वाला जो वैल्यू है वो इसका था 41 डिग्री एंड 24 मिनट्स ओके, और 7503 जो था वो इसके लिए था। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, एनीवे व्हाट वी विल डू इज ओके, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अभी हम लोग 41 डिग्री 24 मिनट्स ही कंसिडर करने वाले हैं ओके। अब 41 डिग्री 24 मिनट्स को हम लोग क्या करेंगे, मैं साइड में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 41 डिग्री ओके 24 मिनट्स को भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? तो 24 मिनट्स को हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 ओके। इसको जब 60 से डिवाइड किया तो आपको मिलेगा दिस गोइंग टू बी 6 वाट्स आर 6, 4 आर 24, बराबर है। बट 24 अपॉन 60 ओके दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 0.4 डिग्री। तो ये आपका क्या बन गया, दिस बिकेम 41.4 डिग्री ओके। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ पाई बाय 2 इंटू टी इज इक्वल टू 41 डिग्री ओके 24 मिनट्स, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 41.4 डिग्री ओके। आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर आया वो क्या दिया हुआ है उन्होंने, लेट अस सी, यस 41.4 डिग्री। इस तरह से हमारा भी आंसर क्या आ रहा है, एकदम एक्यूरेट आ रहा है। आई होप आपको जो मैंने कोसाइन टेबल का कैलकुलेशन बताया वो समझ में आया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पाई बाय 2 इंटू टी को वैसे ही रहने देते हैं, और जो आपका आरएचएस है जो आपका डिग्री में है तो हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 ओके। तो मैं बोलूँगा अभी दोनों साइड का पाई कैंसिल हो जाएगा ओके, ये हो जाएगा 2 1 2 90। तो इसको अगर आप आगे सिंप्लीफाई करते हो तो ये आपका हो जाएगा E विल बी इक्वल टू 41.4 अपॉन 90 ओके। दोनों को आप ओके 9 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, 4 सा 36, रिमाइंडर कितना रहेगा, इट विल बी 5, यानी ये आपको फिर 54 हो जाएगा 9 वॉट सा। हम लोग बोलेंगे दैट इज गोइंग टू 4.6 अपॉन 10 ओके, दैट इज गोइंग टू 2.46 सेकेंड। तो ये जो आपका टी है उस पर आपका क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से ओके 1 सेंटीमीटर पे पहुंचेगा टुवर्ड्स द मीन पॉइंट। ये आपको आ रहा है समझ में? तो ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था सॉल्व ओके, लेकिन बस मैंने आपको यहाँ पे कोसाइन का कैलकुलेशन बताया। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। हम लोग जो एक्यूरेट वाला है ओके, जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है 0.75 है, उसको हम लोगों ने क्या किया, सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं ये वाला जो पार्ट है इसको मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो हमारा आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक के साथ देख लेते हैं, टेक्स्ट बुक में कितना दिया हुआ है 0.46 सेकेंड। आई होप आपको ये क्लियर है। अब इसका मैं आपको एक सेकेंड मेथड बताऊंगा, ठीक है, इसके वजह से आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ऑसिलेशन से, ठीक है। यस, अब वो मेथड क्या है, तो उसके लिए मुझे ये स्क्रीन क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। तो पहले मैं एसईएम के लिए डायग्राम बना देता हूँ। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि दिस इज x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो से पॉजिटिव एक्सट्रीम दैट इज x इक्वल टू 4, ये साइड पे आपका नेगेटिव एक्सट्रीम दैट इज x इक्वल टू -4, ठीक है। लेकिन अभी वापस हमें क्या करना है, पॉजिटिव साइड पे क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। अभी आपके टेक्स्ट बुक में केस क्या बोला हुआ है, द पार्टिकल इज ऑलरेडी एट वॉट पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये आपको ध्यान में रखना है। पॉजिटिव एक्सट्रीम से वो कहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट पे आ रहा है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ओके।
तो x से उसका जो डिस्टेंस है हम लोग बोले कि कितना रहेगा, दैट विल बी 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे हम लोग ऐसे बोलते हैं x का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये सम सॉल्व कैसे करने का। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ये क्वेश्चन रीड करके, तो ये सम एक बार देख लेते हैं वापस, मैं आपको बताता हूँ। अ पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर SHM ऑफ पीरियड 4 सेकंड एंड एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन। ठीक है, अब यहाँ पे ये एजम्पशन लिया था जो टेक्स्ट बुक में लिया था उन्होंने कि सिंस द पार्टिकल परफॉर्म्स SHM फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन, पाई का वैल्यू उन्होंने पाई बाय 2 कंसिडर किया। ठीक है, नेसेसरी नहीं आप ऐसा कंसिडर करो। ओके, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो पार्टिकल है, ओके, पार्टिकल ने जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से पार्टिकल 4 पे गया एंड 4 से अभी ओके इट इज कमिंग बैक टू एक्स इक्वल टू, यानी अभी रिवर्स आ रहा है, तो एक्स इक्वल टू 4 से एक्स इक्वल टू 3 पे आने को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके, वी आर सॉल्विंग इट बाय सेकेंड मेथड। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वी एस्यूम द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजिशन। ओके, देखो सम में ऐसा नहीं बोला हुआ है कि द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम, सम में सिर्फ इतना बोला हुआ है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से सुनोगे, अ पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर SHM ऑफ पीरियड 4 सेकंड्स एंड एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है। आपको ये पूछा हुआ है फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन, क्या आपको ये बोला हुआ है क्या कि पार्टिकल जो अपना SHM है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है? नहीं, आपको ऐसा बोला हुआ है कि पॉजिटिव एक्सट्रीम से 1 सेंटीमीटर आने को कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजिशन। अब ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजिशन, जो फाई का वैल्यू है वो क्या हो जाता है, जीरो, एज्यूमिंग कि वो नॉर्मल SHM करने वाला है, यानी मीन पोजिशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जाएगा, फिर पॉजिटिव से वापस मीन, फिर मीन से नेगेटिव एंड नेगेटिव से वापस मीन। ओके, तो ऐसे केस में फाई का वैल्यू क्या होता है, जीरो, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, ये जो ओमेगा टी प्लस फाई है उसमें फाई का वैल्यू तो जीरो है, तो हमारे पास रहेगा सिर्फ एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ये क्लियर है? तो आपको एक बात बताता हूं मैं, ठीक है, यस, कि जब वो जीरो से फोर पे आ रहा है ऐसा इमेजिन करते हैं। ओके, तो जब वो जीरो से फोर आएगा तो हम लोग बोलेंगे लेट टी वन बी द टाइम टेकन बाय इट, टेकन बाय पार्टिकल to move from 0 to a, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 0 to a ने क्या, तो ब्रैकेट में लिख देता हूं 4। ओके, लेट टी वन बी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम 0 टू a, तो हम लोग बोलते हैं 0 टू a या 0 टू 4 मूव होने के लिए जो उसको टाइम लगेगा दैट विल बी 1/4 ऑफ द टोटल टाइम पीरियड। ना ये हम लोग बोलते हैं 0 टू a क्या हुआ, 0 टू a हम लोग बोलते हैं इज 1/4 ऑफ साइकिल। ओके, तो ऐसे केस में मैं बोल सकता हूं कि t1 का वैल्यू क्या रहेगा, t1 का वैल्यू रहेगा t by 4। ओके, ये आपको आया समझ में, t by 4 यानी ये हो जाएगा 4 अपॉन 4 बिकॉज टाइम पीरियड आपका क्या दिया है, कैपिटल t इज गिवन एज 4 सेकंड। तो वो लॉजिक के हिसाब से आपका t1 जो होगा दैट विल बी 1 सेकंड। अब ये 1 सेकंड यानी क्या है, तो एक बात ध्यान में रखो, अगर पार्टिकल 0 से 4 आता है, ओके, ध्यान से सुनो, अगर पार्टिकल 0 से 4 आता है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, तो जो टाइम लगेगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 1 सेकंड। सिमिलरली अगर पार्टिकल 4 से 0 भी आएगा, ओके, यस, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ऑल्सो फ्रॉम 4 टू 0, यानी 0 टू 4 एंड 4 टू 0 दोनों के लिए जो टाइम पीरियड रहेगा, ओके, जो टू मोशन के लिए जो टाइम लगा है वही फ्रो मोशन के लिए भी रहेगा। तो अगर पार्टिकल 0 से 4 जाता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड। सपोज 4 से 0 आता है तो भी कितना लगेगा, 1 सेकंड। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे मैं बोलता हूं लेट t2 बी द टाइम टेकन
पाई पार्टिकल टू मूव फ्रॉम 0 to 3। ओके, अब 0 से 3 पे जब आ रहा है वो, उसके लिए जो टाइम लगेगा उसको मैं क्या बोल देता हूँ, उसको मैं बोल देता हूँ T2। पहले वाले टाइम को क्या बोला था मैंने, T1। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो अभी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, therefore x is equal to what a sine of omega t। अब देखो x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू अभी यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो हम लोग अभी 0 to 3 कंसिडर कर रहे हैं, तो x का वैल्यू जो रहेगा दैट विल बी 3। a का वैल्यू क्या रहने वाला है, a का वैल्यू रहेगा 4। साइन एज इट इज, ओमेगा जो है तो ओमेगा क्या, इट इज 2π अपॉन कैपिटल t, लेकिन कैपिटल t का वैल्यू क्या है, 4 इंटू स्मॉल टी, लेकिन स्मॉल टी के जगह पे मैं क्या बोल दूंगा अभी यहाँ पे T2 बोल दूंगा। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, अब पिछले वाले केस में क्या था, कॉस फंक्शन था, ये वाले केस में क्या है, साइन फंक्शन। इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा 3/4 इज इक्वल टू साइन, इस इज गोइंग टू बी 2π/4 यानी π/2 इंटू T2, टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूँ, π/2 इंटू T2 विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/4। ये क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, ओके, साइन के टेबल पे जाएंगे। देखो जैसे कॉस इनवर्स का टेबल नहीं था, वैसे साइन इनवर्स का भी टेबल नहीं, ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स मेथड यूज करेंगे, हम लोग साइन इनवर्स नहीं, साइन के टेबल को देखेंगे। ओके, तो जब मैं साइन का टेबल देखता हूँ, ओके, तो मुझे ये समझ में आता है कि वो कॉस का क्या है, कॉस का अपोजिट है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, टेबल का ये आपका नेचुरल साइन, बराबर, नेचुरल साइन। अच्छा, नेचुरल साइन में ये तो 45 डिग्री हो गया, ओके, हमें कितना चाहिए यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ 3/4, यानी आपका ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.75। पिछले इसमें कॉस इनवर्स था इनटू 0.75 है क्या यहाँ पे, नहीं, 0.7059 है, तो पहले की जितनी भी वैल्यूज है सब छोटी है। तो साइन में क्या है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है उसका वैल्यू बढ़ते जाता है, और ऐसे ही इसमें मीन डिफरेंस हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते, सिर्फ कोसाइन में मीन डिफरेंस क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखेंगे 7455 आ गया, हाँ 7490 एंड 7501। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे जो 7490 है, ओके, आप वो वाले वैल्यू के साथ भी आगे बढ़ सकते हो, या डायरेक्टली जो 7501 है, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो कि सर साइन इनवर्स ऑफ 0.75 एंड साइन इनवर्स ऑफ 0.7501 वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 48 डिग्री, ओके, एंड 36 मिनट्स। ओके, तो आप ऐसा बोलोगे सर इसको ऐसे लिख देते हैं, सेम टू बी योर 48 डिग्री एंड 36 मिनट्स। 36 मिनट यानी कितना होता है, 0.6 डिग्री, क्यों, तो 36 मिनट्स को हम लोगों ने 60 से डिवाइड किया। ओके, तो ये आपका हो गया 48 डिग्री, ओके, एंड यू कैन से 48 डिग्री प्लस 0.6 डिग्री, ओके, ये हो गया 48.6 डिग्री। ठीक है, ये एक मेथड हो गया आपका। ठीक है, लेकिन हम लोग बोलेंगे अगर आपको इसका और एक्यूरेट वैल्यू निकालना है, वो कैसे निकालोगे आप, तो यहाँ पे 7501 के जगह पे आप 48 डिग्री के इसमें 7490 सिलेक्ट करो। ठीक है, और आप देखो यहाँ पे जो मीन डिफरेंस 10 है, तो 7490 के लिए जो रीडिंग है वो क्या है, 30 मिनट्स, वो 30 मिनट्स में ये 5 मिनट्स ऐड करो, कितना हो जाएगा, 35 मिनट्स, और वो 35 मिनट्स में जो 5 मिनट्स का जो वैल्यू है मीन डिफरेंस का, वो कितना है, 10, तो 7490 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा, 7500, यानी आपका एग्जैक्ट आ रहा है, और उसका आंसर क्या आ रहा है आपका, सो इट इज कमिंग एज 48 डिग्री, ओके, दिस 30 मिनट्स एंड दिस 5 मिनट्स, तो वो आपका एक और पॉसिबल आंसर ये है, 48 डिग्री एंड 35 मिनट्स। ओके, और इसको अगर आप 60 से डिवाइड करते हो सपोज, ओके, 60 मिनट्स से, तो आपका कितना हो जाता है, इट इज गोइंग टू बी 6 5 ज़ा 30, रिमाइंडर 5 है, तो बोलेंगे 6 8 ज़ा 48, बराबर है, 6 8 ज़ा 48, रिमाइंडर 2 है, 6 3 ज़ा 18, तो ये आपका आएगा कैन से 48.5833 डिग्री। तो मैं बोलूँगा आप बेटर, ओके, ये
वाले वैल्यू के साथ जा सकते हो 48.6 डिग्री। ओके एनीवे इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ पाई बाय टू इंटू टी टू। ओके ऐसा समझ लो इसको ही हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट किया है और हमारा आंसर क्या आ रहा है 48.6 डिग्री। लेकिन उसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा पाई अपॉन 180 से। ओके तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ये पाए और ये पाए कैंसिल हो जाएगा इज गोइंग टू बी 2 1s and 2 90s। तो आपका टी टू का जो वैल्यू आएगा दैट विल कम एज 48.6 अपॉन 90 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9 ये हो जाएगा 9 वॉट्स आर। तो 9 5s are 45 बराबर है ये रिमाइंडर कितना रहेगा 3 यू कैन से 9 4s are 36 ये आपका हो जाता है 5.4 upon 10 यानी टी टू का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.54 सेकेंड। ठीक है यस और अभी आपके पास टी वन का वैल्यू है एंड टी टू का वैल्यू है यस तो 0 से 4 मूव करने के लिए कितना टाइम लग रहा है 1 सेकेंड एंड 0 से 3 मूव करने के लिए कितना टाइम लग रहा है 0.54 सेकेंड। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ से यहाँ आने के लिए यानी 0 से 3 आने के लिए आपको 0.54 सेकेंड लग रहा है। ठीक है यस एंड 0 से 4 में आने के लिए आपको 1 सेकेंड लग रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 3 से 4 पे आने के लिए आपको कितना लगेगा तो वो जो आपका आंसर रहेगा दैट विल बी कैन से जो बड़ा वाला वैल्यू है विच इज टी वन माइनस छोटा वाला वैल्यू विच इज गोइंग टू बी टी टू गोइंग टू बी अगेन व्हाट 1 minus 0.5 विच इज इक्वल टू व्हाट 0.46 सेकेंड। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इक्वल टू 3 से x = 4 पे आने के लिए ओके ये 1 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के लिए 3 से 4 आने के लिए तो कितना टाइम लगने वाला है इट इज गोइंग टू बी टी वन माइनस टी टू विच इज इक्वल टू 0.46 सेकेंड। और ऐसे शेम में ये बात ध्यान में रखनी है अगर 3 से 4 आने को 0.46 सेकेंड लगा है तो 4 से 3 आने को भी कितना टाइम लगेगा इट इज गोइंग टू बी 0.46। तो वो लॉजिक से हम लोग क्या बोलेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू मूव From 2 centimeter to 3 centimeter will be equal to what 0.46 सेकेंड। ये मेथड आया आपको समझ में ठीक है इसको क्या करना है अच्छे से कॉपी कर लेना है। ठीक है तो मैं ये साइड का जो स्क्रीन है उसको क्लियर कर देता हूँ और हम लोग अभी नेक्स्ट सम पे जाएंगे। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है दैट इज अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM with period 6 second is at positive extreme position at t equal to 0. The particle is found to be at a distance of 3 centimeter from this position at time t equal to 7 second before reaching the mean position. Find the amplitude of SHM. ठीक है अब ये सम को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि a particle performing linear SHM with period 6 second okay, is at positive extreme position at t equal to 0. यानी एट द स्टार्ट ऑफ SHM यहाँ पे आपको उन्होंने डायरेक्टली एक तरह से मेंशन किया हुआ है एट द स्टार्ट ऑफ SHM तो वो कैसे पता चला मुझे यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है एट t इक्वल टू 0 ओके द पार्टिकल इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम। वो लॉजिक से हम लोग क्या बोलेंगे जो फाई का वैल्यू आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट फाई बाय टू। ओके पॉजिटिव एक्सट्रीम पे अगर पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है SHM तो एपोक कितना रहेगा फाई बाय टू रहेगा। ठीक है तो कैसे लिखेंगे हम लोग एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई फाई के जगह पे मैं फाई बाय टू डाल देता हूँ। तो बेसिकली थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई बाय टू ये आपका बन जाएगा ओके कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है ठीक है तो x इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी दिस इज योर बेसिक इक्वेशन। ठीक है अच्छा अभी इसमें आपको और क्या बताया हुआ है विद अ पीरियड 6 सेकंड ओके यानी यहाँ पे कैपिटल टी 6 सेकंड है तो ओमेगा क्या रहेगा इट विल बी 2π/T दैट इज गोइंग टू बी 2π/6 विच इज गोइंग टू बी व्हाट 5/3। ठीक है ये क्लियर है और क्या बोला हुआ है The particle is found to be at distance of 3 centimeter from this position
एट टाइम टी इक्वल टू 7 सेकेंड। ओके यस, तो अपने को बोला हुआ है द पार्टिकल इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पोजिशन। दिस पोजिशन का मतलब क्या, फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन एट टाइम टी इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें 7 सेकेंड्स। अब इसका मतलब क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि एस एच एम एक्स इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से हम लोग बोलेंगे ए पे जाएगा एक्स इक्वल टू ए। अब ए से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, ओके हम लोग बोल रहे हैं पार्टिकल वापस यहां पे पहुंच रहा है, तो पार्टिकल का अभी जो पोजिशन रहेगा वो क्या रहेगा, तो हम लोग बोल रहे हैं ये जो टोटल वैल्यू है दिस वन दैट इज ए, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये जो रहेगा हम लोग बोलेंगे ये वाला जो रहने वाला दैट इज गोइंग टू बी एक्स इक्वल टू ए माइनस 3। ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज योर ए माइनस 3 सेंटीमीटर, ए माइनस 3 प्लस 3 यानी टोटल कितना हो जाएगा, इट विल बिकम ए। ये आपको आ गया समझ में, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, इट विल बिकम ए माइनस 3। ओके तो ये सब वैल्यूज ऊपर के इक्वेशन में डाल देते हैं, तो आपको मिलेगा ए माइनस 3 इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा का वैल्यू कितना मिला हमें, पाई बाय 3 इंटू टी, टी का वैल्यू कितना है हमारा, ओके तो जो टी का वैल्यू है विल से दैट इज 7 सेकेंड्स। ओके हम लोग ऐसे लिखेंगे ए माइनस 3 इक्वल टू ए कॉस ऑफ 7π/3। ओके इसको आप ऐसे भी कर सकते हो a माइनस 3 अपॉन ए कॉस ऑफ 7π/3 को, ओके आप ऐसे लिख सकते हो 6π/3 + π/3। ओके तो 6π/3 + π/3, ओके इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6π/3 ने क्या, इट इज गोइंग टू बी 2π + π/3। तो आपको एक बात बता देता हूँ, कॉस ऑफ 2π ओके + π/3 तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ π/3। ओके अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस ऑफ 2π + π/3 इट इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ π/3। कैसे, तो ये एक रूल ध्यान में रखो, साइन ऑफ 2π + θ ओके इज इक्वल टू साइन थीटा एंड कॉस ऑफ 2π + θ इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके यहाँ पे साइड में मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि आप लोगों ने नोट करना है, कॉस ऑफ 2π + θ इक्वल टू कॉस थीटा एंड साइन ऑफ 2π + θ इक्वल टू साइन थीटा। ये आपको क्लियर है, ओके ये आपको क्लियर है, ओके यस। अच्छा अब इसमें कंपलसरी नहीं सिर्फ 2π, ओके तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कॉस ऑफ 2nπ + θ इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड साइन ऑफ 2nπ + θ इज इक्वल टू साइन थीटा। ये भी फॉर्मूला आप लोगों ने ध्यान में रखना, ओके अब यहाँ पे n क्या हो सकता है, सो n कैन बी ओके 1, 2, 3 सो ऑन इन n इज सेट ऑफ व्हाट नेचुरल नंबर, ये ध्यान में रखो। ओके एनीवे तो हम लोग बोलते हैं कि अच्छा अगर आपको ये फॉर्मूले से नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको एक्सपांड करके देखो, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बराबर है, ओके यस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ 2π cos π/3 ओके माइनस साइन ऑफ 2π sin π/3। ओके ये क्लियर है, तो ये तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 2π cos π/3 माइनस साइन ऑफ 2π sin π/3। इन साइन 2π क्या है, जीरो है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाता है, इट बिकम जीरो, ठीक है। अच्छा कॉस 2π क्या रहेगा, इट विल बी 1, जो कॉस जीरो का वैल्यू है वही कॉस 2π का वैल्यू है, ये वैल्यू क्या बनने वाला है, इट इज गोइंग टू 1 × cos π/3 आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, इट इज कमिंग एज कॉस ऑफ पाई बाई थ्री, ये क्लियर है। अब आपको cos π/3 यानी एक्चुअली क्या है, वो cos 60 है एंड cos 60 कितना होता है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज हाफ, sin 30 हाफ है एंड cos 60 हाफ है, ये तो आपको बेसिक पता ही है, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, इसको रीअरेंज किया तो आपको क्या मिलेगा, 2a - 6 इज इक्वल टू वॉट ए, इसको रीअरेंज किया तो आपको ऐसा मिलेगा 2a - a
इक्वल टू प्लस सिक्स, में ए का वैल्यू कितना है आपका, ए का वैल्यू जो रहेगा दैट इज गोइंग टू 6 सेंटीमीटर। ये हुआ आपका, तो एक बार चेक कर लेते हैं टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका आंसर कितना आ रहा है, ए इज इक्वल टू वॉट 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, इस सेम मेथड से किया हुआ है, सिर्फ उन्होंने साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू कैरी करके उन्होंने फॉरवर्ड किया, हम लोगों ने क्या किया इसको पहले ही कन्वर्ट कर दिया इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये क्लियर है। एनीवे आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ए का वैल्यू कितना आ रहा है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी आंसर कितना आ रहा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वाला सम है वो देख लेते, एकदम ओके। एग्जाम्पल 5.4, स्पीड्स ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एस एच एम आर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कंडीशन दी हुई है V1 एंड V2 एट X1 एंड एट X2। तो पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, जब पार्टिकल एस एच एम करता है तो x इक्वल टू जीरो पे उसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू रहती है वो मैक्सिमम रहती है, x इक्वल टू a पे ओके वो जीरो हो जाती है, उसको हम लोग v मिनिमम भी बोलते हैं, फ्रॉम जीरो। तो ये बात ध्यान में रखो, जैसे जैसे आप मीन पोजीशन से दूर जाओगे वेलोसिटी का वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अब ये जो डेटा है वो आपको क्या बता रहा है वो देख लेते हैं। स्पीड्स ऑफ पार्टिकल आर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस इज 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। X1 का वैल्यू क्या बोला मैं, ओके एट डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ 6 एंड 8 सेंटीमीटर, यानी X1 का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर एंड X2 का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर। ओके, तो बेसिकली हम लोगों को इतना तो पता है वेलोसिटी का इक्वेशन जो है दैट इज प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे जो पार्टिकल है वो टूवर्ड्स राइट ट्रेवल कर रहा है, ओके तो वेलोसिटी का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं बोलूंगा V1 विल बिकम व्हाट, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस X1 स्क्वायर एंड V2 जो रहेगा वो रहेगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस X2। या तो क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया तो आपको मिलेगा, ऐसा लिख देता हूँ, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन, तो V1 अपॉन V2 विल बी इक्वल टू व्हाट, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस X1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस X2 स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड आपको मिलेगा V1 अपॉन V2 द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, RHS के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का रूट कैंसिल हो जाएगा, विल गेट ए स्क्वायर माइनस X1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस X2 स्क्वायर। ओके, 2 लिखना भूल गया, ओके फाइन। अब V1 का वैल्यू क्या है, तो इट इज 8, V2 का वैल्यू क्या है 6, तो दिस इज 8 अपॉन 6 द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस X1 का वैल्यू क्या है, ओके okay? अच्छा, अभी एक बात ध्यान में रखो, थ्रू आउट जो हमारे यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं वो CGS में, ये आपको आ रहा है समझ में, जैसे सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर पर सेकेंड है और इधर भी सेंटीमीटर, इसलिए मैं उसको SI में कन्वर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम, यहाँ पे कितना X1 का वैल्यू, इट इज 6 सेंटीमीटर, हो गया 6 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। इसको रीअरेंज किया तो ये आपका हो जाएगा 8 अपॉन 6, यानी कितना हो गया 4/3, 4 स्क्वायर कितना है 16 एंड 3 स्क्वायर कितना है 9, टू बी ए स्क्वायर माइनस 36 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 16। अच्छा, अभी आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो आपको मिलेगा 16 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 64
इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 ए स्क्वायर माइनस 16 इंटू 64 इक्वल टू 9 ए स्क्वायर माइनस 9 इंटू 36। ओके, इसको आगे हम लोग जाके सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, इज गोइंग टू बी 16 ए स्क्वायर, 9 ए स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 9 ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस 16 इंटू 64, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 16 इंटू 64 एंड दिस इज गोइंग टू बी वॉट माइनस 9 इंटू 36। तो इसमें से कोशिश करें कि कुछ कॉमन आ सकता है क्या, 64 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो वी कैन राइट इट एज 4, या फिर इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं 4 इंटू 64 माइनस 36 को ऐसे लिख देता हूँ मैं 4 इंटू 9। ठीक, अब यहाँ से दोनों इसमें से सिर्फ 4 कॉमन आएगा तो आपके पास बचेगा क्या 4 इंटू 64 माइनस 9 इंटू 9। 4 इंटू 64 कितना होता है 256, बराबर है, माइनस दिस इज गोइंग टू बी वॉट 81। ठीक है, एंड 16 ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर, तो ये आपका कितना बाकी रहेगा, गोइंग टू बी योर 7 ए स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7 ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 इंटू 256 माइनस 81, ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 5, 25 में से अगर 8 गया तो कितना रहेगा हम लोग, ये आपका हो गया 7 ट्वेंटी फाइव जा कितना होता है 170, एंड 4 इंटू 25 कितना हो जाता है 100। तो ए स्क्वायर का वैल्यू आपका कितना आ रहा है 100, देयरफॉर ए कितना आएगा, सो ए विल कम है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जब ये 10 सेंटीमीटर आया ना तो आप कौन से भी इक्वेशन में सब्सिट्यूट, लेट अस से मैं पहले वाले इक्वेशन में सब्सिट्यूट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे V1, ओके, V1 के जगह पे डायरेक्टली वैल्यू डाल देता हूँ, 8 विल बी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस ओके एक्स वन का वैल्यू कितना है 6, ये हो गया 6 स्क्वायर, दैट इज 8 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर 100, 100 माइनस 6 स्क्वायर 36, ये कितना हो गया 64, अंडर रूट ऑफ 64 यानी क्या होगा 8, तो 8 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, या फिर मैं ऐसा बोल देता हूँ 8 विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू 8, देयरफॉर ओमेगा का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी 1, ओके यू कैन से रेडियन पर सेकेंड, तो बेसिकली हमारा ओमेगा कितना आया 1 रेडियन पर सेकेंड। अब जो ओमेगा 1 रेडियन पर सेकेंड है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सब में हमें क्या निकालना था, एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना था और टाइम पीरियड कैलकुलेट करना था, तो कैन वी से टाइम पीरियड टी विल बी इक्वल टू वॉट 2 पाई अपॉन ओमेगा, दैट इज गोइंग टू बी 2 इंटू 3.142 अपॉन ओमेगा विच इज वॉट 1। तो अभी यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 2 इंटू 3.142 यानी आपका जो टाइम पीरियड आएगा टी दैट विल बी इक्वल टू 6.284 सेकेंड। ओके, ये आपका फाइनल आंसर, तो आपको ये सब में शायद एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड कैलकुलेट करने को पूछा था, एक बार वो मैच करके देखते हैं। यहाँ पे आपका जो एम्पलीट्यूड आया हुआ है तो सम था ये फाइंड इट्स पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आपको पीरियड जो आया है कैपिटल टी वो कितना है 6.28 और जो एम्पलीट्यूड आया है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे 6.28 आ रहा है, हमारा कितना आ रहा है 6.284, तो हम लोगों ने पाई का वैल्यू 3.142 लिया। ठीक है, यस, आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, अच्छा, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है वो थोड़ा थियरी पार्ट है। ठीक है, जो सॉल्व एग्जांपल से उस पे आएगी हम लोग, लेकिन उसके पहले ये एक पार्ट है एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स वेलोसिटी वी एंड एक्सेलरेशन ए। अब ये मैंने आपको इनडायरेक्टली थ्रू डायग्राम समझाया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसको प्रॉपर समझने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि एक मैथमेटिकल मेथड भी है। ठीक है, और वो जो मैथमेटिकल मेथड है वो हम लोग क्या करेंगे जो हमारा अगला लेक्चर होने वाला है ठीके? उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एकदम सिंपल लॉजिक बता देता हूँ कि जब डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा एक्सीलरेशन का भी मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये ध्यान में रखो। ठीक है, और हम लोग बोलते हैं कि जब एक्सीलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू होगा ओके तो वेलोसिटी का क्या होगा मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, यस, इसको मैं आपको एकदम सिंपल इसमें बता देता हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एट x इक्वल टू जीरो हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी क्या रहता है, इट इज v मैक्स, ये हम लोगों को पता है। लेकिन x इक्वल टू जीरो पे
एक्सीलरेशन रहता है वो क्या रहता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर एक्स जीरो है तो एक्सीलरेशन भी क्या रहेगा, जीरो। यानी यहाँ पे ए का भी वैल्यू क्या रहेगा, जीरो। तो ये हुआ उसका मिनिमम वैल्यू एक्स का और ए का। और अगर मैं बोलता हूँ एक्स का वैल्यू ए है तो एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। यानी अभी ये दोनों का क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये ग्राफिकली देख रहे हैं हम लोग, ये जो है ये पार्ट कल हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन समझेंगे, ठीक है। बट एनीवे आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आई होप जितने भी सम्स हम लोगों ने किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए हैं, ठीक है। आज मैंने कुछ कम ही न्यूमेरिकल्स लिए, लेकिन उसको एकदम डिटेल में लिया हुआ, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है कि जो हम लोगों ने बेसिकली जो पिछला वाला न्यूमेरिकल था, दिस वन, ठीक है, जहाँ पे टाइम आपको 0.46 सेकंड आ रहा था, वो हम लोगों ने दोनों मेथड से सॉल्व किया, ठीक है। यस, तो इसमें अगर आपको कुछ डाउट रहा, साइन कैसे फाइंड करना है या कोसाइन कैसे फाइंड करना है या उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करना है, साइन इन्वर्स एंड कोसाइन इन्वर्स, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ग्रुप के ऊपर वो डाउट डालना है, ठीक है। एनीवे आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप करते हैं।